देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून येथे वास्तव्यास आलेल्या रहिवाशांनी येथील समाजाशी एकरूप व्हावे, आपल्याला भेडसावत असलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर सातत्याने प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना तुमचीही साथ मिळाली तर त्या समस्या अधिक लवकरच सुटू शकतील. त्यासाठी आपण सर्वांनी त्यांच्या बरोबर राहून आपल्या समस्या सोडवून घ्याव्यात व नेता आणि जनता यातील द्वैत संपवावे असे प्रतिपादन लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी केले आहे. पनवेल परिसरात राहण्यास आलेल्या माजी सैनिकाच्या संघटनेच्या माध्यमातून रविवारी पनवेल क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर बोलत होते. या कार्यक्रमासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर, जेएनपीटीचे विश्वस्त महेश बालदी, ज्येष्ठ नेते अरुण शेड भगत, पाणी पुरवठा सभापती अनिल भगत, ज्येष्ठ नगरसेवक जयंत पगडे, संघटनेचे व्हाईस चेअरमॅन व्ही एस जाधव, समशेर सिंग जाखड, बी आर पाठक, आर पी यादव, आर बी अग्रवाल, ब्रिजेश पटेल, राजीव चांडव, बलराम यादव, अमरजीत सिंग, नथुराम जाखड, कमांडर किशोर सिंग, श्रुती चौहान, दिल्ला आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांनी आपली मनोगत व्यक्त केली. नेता और जनता अलग नहीं होना चाहिए. जनता का हर चीज सुख दुख जो है वो नेता का होता है. मुझे लगता है प्रशांत ठाकुर के बारे में जो नजदीक उनके गए उनको ये समझ में आया होगा कि प्रशांत ठाकुर इस तरह से फैमिली मेंबर सबके हुए हैं और जिनको नजदीक आने को नहीं मिला आज तक, तो उन्होंने बताया कि इसके आगे जाके आप दिल में कुछ मत रखो, सीधा आप आके मिल सकते हैं. जाकर जी ने बताया कि हम भी बीच में नहीं रहना चाहते. एक बात देखो, हमारे पास आने के लिए कोई बीच वाला कार्यकर्ता की जरूरत ना थी. मैं एजेंट का नहीं बात बोलता. बहुत सारे नेता वगैरह ऐसे होते हैं कि कौन आ गया, किसके थ्रू आ गया, ये देखते हैं. यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ जो आया मेरे पास आने दो, प्रशांत ठाकुर के पास आने दो, या हमारे जो मेन कार्यकर्ता है उनके पास आने दो. तो क्या काम है, कोई अनपहचान भी आदमी है तो भी उनको पूछताछ करके इमरजेंसी है तो बोलता है इस दिन आ जाओ, अदरवाइज उनका सुन के उससे क्या रास्ता निकलता है वो हम लोग देखते हैं. और इसके लिए जो अभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिव कमिटी बनाया हुआ है तो सिर्फ ये प्रोग्राम के लिए नहीं है, अपने हर दिन के काम के लिए, हर सेक्टर के लिए, हर अपना जो तुम्हारा खारगर होने दो, कामठा होने दो, ये नोड होने दो, ये नोड के लिए प्रशांत ठाकुर की कमिटी काम करती बैठेगी. भूतपूर्व अपना जो सैनिक है उनके होने दो या बाकी आपके साथ में रहने वाले की सबके होने दो, तो सबके लिए हम सब जगह जगह पे काम करेंगे. आप भी इसमें सहयोगी बन जाओ. खारगर में, कामोटा में, कलमबोली में, पनवेल में, अलग अलग जगह पे वहां पर जनसंपर्क कार्यालय है, उस कार्यालय के माध्यम से भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं. और ये सब पहुंचते पहुंचते अगर आपको लगता है कि थोड़ा इनकन्वीनियंस है तो आपका भी एक सर्विसमैन का एक ईमेल आईडी बने जिस पर आप अपना अपने मेल के माध्यम से अपनी समस्याओं को वहां पर रख सके. बाद में उसका अगला वाला स्टेप एक वेबसाइट बने, उस वेबसाइट के माध्यम से आप इन सारे चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर कर सके. सिर्फ समस्याओं को ही क्यों, अपने खुशियों को भी आप एक दूसरे के साथ बांट सके. इसके लिए ऐसी वेबसाइट, ऐसा ईमेल आईडी, इसके माध्यम से मैं समझता हूं कि हम एक स्टेप आज मिले. आज हम एक दूसरे से मिलकर बात की, अगले स्टेप में हम बार बार लगातार एक दूसरे के साथ मिलते रहे. साल में एक बार इसी तरीके का एक कार्यक्रम होता रहे. मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ और अच्छी तरीके से जुड़ते रहे. लगभग सवा साल हो गया. सवा साल पहले आपने मुझे वोट देके अपना जनप्रतिनिधि चुना था. आज आने वाले समय में ये जनप्रतिनिधि होने का मेरा जो दायित्व है, इसके नाते आपकी सारी समस्याएं और आने वाले समय में आपके वेलफेयर के जो पॉलिसीज हैं इनको इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी ये ताकत, आज का आपका यहाँ पर होना मुझे साल भर ताकत देता रहेगा. आपके आशीर्वाद, बुजुर्ग लोग हैं, आपके आशीर्वाद के साथ ये जो पनवेल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महाराष्ट्र में दो नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चिंचवड़, जिसका वोटिंग है 4,50,000 और हमारा है लगभग 4,30,000 से ऊपर. तो ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होना ये भी अपने आप में एक चैलेंज है. हफ्ते में एक दिन मुझे डिवाइड करके लेना पड़ता है. अगर घारघर में आना है तो एक दिन आ पाऊंगा, कामोठा में जाना है एक दिन आ पाऊंगा, कलमबोली में एक दिन, ये सारे प्रॉब्लम लेकर मुंबई जाना है एक दिन.
तो ये डिवाइडेशन करना पड़ता है। पर इसके बावजूद भी आप में से कई सारे साथी जाखड़ जी और इनके माध्यम से मुझे मेरे साथ जुड़े हैं। आने वाले समय में आप में से कई सारे और लोग इसमें जुड़े और इसके माध्यम से आपके अपने इस कम्युनिटी के प्रॉब्लम सॉल्व होते रहे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रशांत जी ठाकुर ने ये जो पहल चालू की है कि जो जिन्होंने इस देश के लिए सेवा की ऐसे लोगों से उनकी समस्याएं समझाने के लिए उनके साथ एक एक बार इंटरेक्शन होना जरूरी है, ये आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। और जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन इस देश के हमारे जैसे सिविलियन नागरिकों के सुरक्षा के लिए दिया और उनके प्रति हमारे भी कुछ संवेदना होनी चाहिए कि उनके परिवारों के लिए जो छोटी छोटी चीजें होगी, जैसा अभी बताया कि जनसंपर्क कार्यालय होगा वहां आपकी समस्याएं बता सकेंगे। अब एक मैं बताता हूं कि 15 साल रहने के बाद वो सर्टिफिकेट में मिलता है तहसीलदार ऑफिस में डोमिसाइल, जो जिसके फॉर्म ही भरे जाते हैं मराठी में, तहसीलदार ऑफिस में हिंदी अंग्रेजी चलती नहीं है। तो ऐसे समय एक कोई ऑफिस हमारे कार्यालय का होगा कि जो कामोठा में होंगे, खारगर में होंगे, पनवेल में होंगे, तो वहां पर वो आदमी वो मराठी का ट्रांसलेशन हिंदी करके आपके डॉक्यूमेंट लेके तहसीलदार ऑफिस में, हमारे काम हो तो भी 2 महीना लगता है। सरकारें बदली जाती है, सरकारी आदमी नहीं बदलता, इसका अनुभव आपको और हमको सबको है। तो उसमें हम आपकी कठिनाइयां सुलझ कैसे जाए, इसके लिए जो जो कर सके उसके लिए ये सम्मान है। तहसीलदार ऑफिस का एक उदाहरण हुआ, ऐसे हर जगह जन्म मरण परण हर चीज में आती है। आप पनवेल में रहने वाले, यहाँ पे कई लोग उरन से आए, मैं वहां उरन रहता हूँ, उरन में छोटा सा एसोसिएशन था, तब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। अनेक समस्याएं होती है, मेरे यहाँ तो नेवी का बेस है। अभी एक INS अभिमन्यु से हमारे मित्र जिन्होंने मुंबई में टेररिस्ट अटैक के समय ताज में थे, ताज के अटैक के लिए मार्क्यूज थे, ऐसे सब वीरों का हम सम्मान कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप यहाँ रह रहे हैं, ये आपके लिए नहीं हमारे लिए आप गर्व हैं। और आपकी सेवा करने का मौका मिलना ये भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य समझती है।